नबील महमूद साहब माँ जी आ जाए। आ रहा हूँ जानू। अरे मुंह तो सुकून से धोने दो, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है सहरी में पुत्र। आपकी इतला के लिए आज है कि सहरी खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। शाम को ही ले आई थी माँ जी, फ्रिज में रखे हैं। मैं अंडे वाले ऑमलेट की बात कर रही हूँ, जा जल्दी से बना के ले आ लिया। खूबसूरत, हाँ हाँ खूबसूरत से ऑमलेट बनाना एकदम गोल। माँ जी ऑमलेट कल खा लीजिएगा। जब मैं सहरी बनाती हूँ तो रोज अंडे खाती है, आज तेरी बारी है तो कह रही है कल खाऊं। माँ जी अभी टाइम नहीं है, 15 मिनट रह गए सिर्फ। हाँ तो 15 मिनट में तो ऑमलेट वाला अंडा बना सकती है तू। माँ जी मैं ऑमलेट बना सकती हूँ लेकिन मुझे भी तो सहरी करनी है। हाँ तो तू ऑमलेट वाले अंडे बना के बेशक सहरी कर लेना पुत्र। माँ जी यार खूबसूरत बहस करने में टाइम जाया मत करो यार, जाके ऑमलेट बना लो। अरे मोमो थोड़ा सबर कर लो, तुम्हारा ऑमलेट आ रहा है यार। हाँ तो जब तक वो बना के लाएगी और सहरी का टाइम हो गया खत्म तो मैं बगैर सहरी का रोजा रखूंगी। तो यार खूबसूरत जल्दी आओ, माँ जी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। बस करो मोमो सायरन हो गया है। हाँ तो सहरी का वक्त जान खत्म होने तक नहीं रहता क्या? ओ माँ जी बस कर दे, अब तो कुछ भी नहीं बचा, कुर्सियां खानी है आपने। हाय पुत्र मेरी लस्सी तो रह गई है। ओ माँ जी बस कर दे यार, आपने पहले थोड़ी लस्सी कर दी है हमारी। चले मामो साहब आए, नमाज पढ़ गए हैं यार। हाँ चलो चलो चलो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार महमूद साहब आज कुछ ज्यादा खा लिया सहरी में यार। अरे ज्यादा नहीं, हमने जल्दी जल्दी सहरी की है, शायद इसलिए हजम नहीं हुआ। यार मुझे तो बदहजमी हो रही है यार, डकारे आ रही। मेरे भी सीने में जलन हो रही है नबील। यार महमूद साहब इस हालत में तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अब तो हाजमे वाला चूरन भी नहीं खा सकते नबील। हाँ सिर्फ देख ही सकते हैं चूरन को। तो आप क्या करें जानो, तुम सोई नहीं? नहीं यार मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों क्या हुआ? नहीं वो शायद जल्दी जल्दी सहरी कर ली थी ना सुबह, तो इसी तबीयत खराब हो रही है। हाँ जानू हालत तो हमारी भी खराब हो रही है। भाई खूबसूरत आइंदा से तुम जल्दी उठ के सहरी बनाना। महमूद साहब मैं जल्दी ही उठती हूँ, आप लोग देर तक सोते हैं, आप लोगों की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। यार महमूद साहब हम लोगों ने तो इतना खाया नहीं है कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, माँ जी का क्या हाल होगा? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी जाके देखता हूँ। टोपी जेब में रख ले। ये भी क्या औरत है यार। वाह मोदी तूने भी किस जिन से शादी कर ली है। मोमो अब ये कहां चली गई? ओहो मोमो अरे ये क्या ढोल बजा रही हो तुम? मोमो क्या कर रही हो? मैं साजिश कर रही हूँ वहाँ। वर्जिश? हाँ मैं साजिश कर रही हूँ, वर्जिश नहीं मैं वर्जिश कर रही हूँ रमश। लेकिन क्यों? वो मुझे ना ख्वाब में ना खट्टी खट्टी निकारे आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वर्जिश कर लूँ। खारश वर्जिश? हाँ वर्जिश कर लूँ, शायद खाना हजम हो जाए। आप भी आ जाए ना, ज्वाइन करें जरा मुझे। अरे पागल हो गई हो, भरे पेट वर्जिश करोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। वशे वशे मेरा तो पेट खाली हो गया है, इधर आइए हैं। मैं तो चली कहाँ जा रही हो?
आपको क्या हो गया महमूद साहब, ये क्या कर रहे हैं? वर्जिश कर रहा हूँ रामेश। हाँ, अभी तुम्हारी माँ भी एक्सरसाइज कर रही थी, उसका खाना हजम हो गया, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ ताकि मेरा खाना भी हजम हो जाए। ओ महमूद साहब, 15 घंटे का रोजा है यार, क्या कर रहे हैं? प्यास से मौत वाकई हो जानी आपकी। हाँ जी, क्या हुआ? ये आपने क्या किया? ये तूने अपने लिए रखा हुआ था? नहीं माँ जी। तो फिर चला क्यों रही है बदतमीज? अगर मेरे कपड़ों पे जूस गिर जाता तो? माँ जी आपने जूस क्यों पिया? पुत्र मैंने अभी बाहर मालिश की थी ना, इसलिए। किसकी मालिश की थी? ओ मौजा, ऐसे ऐसे करते ना। वर्जिश? हाँ हाँ, मैंने अभी वर्जिश की थी ना, तो वर्जिश के बाद तो जूस पीते। अरे आपका रोजा था यार। क्या हो गया है मेरा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने इफ्तारी की थी। माँ जी वो इफ्तारी नहीं, सहरी की थी। है? हाँ है, ये मैंने क्या कर दिया, रोजा तोड़ दिया आपने माँ जी। होश होश। नबील, नबील। क्या हुआ जानू? माँ जी ने रोजा तोड़ दिया है। किसका? अपना, महमूद साहब, और किसका? यार नबील, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि केबल वाले को मना करो यार, इस किस्म की फिल्में मत लगाए, सिर्फ क्यू टीवी लगाए। देखो ना, तुम्हारी माँ का रोजा टूट गया। माँ जी ने जूस पीकर रोजा तोड़ा है। कौन सा जूस जानू? अरे कोई सा भी पियो यार, रोजा तो टूट गया ना। अरे हाँ, कहाँ है माँ जी? अंदर। माँ जी। मामा। माँ जी आपने रोजा तोड़ दिया? हाँ पुत्र, मुझसे गलती हो गई है। अरे हाथ धोती है मोमो, क्या जरूरत थी तुम्हें जूस पीने की? मैं लान में बारिश कर रही थी ना, तो फिर मुझे बड़ी प्यास लगी थी, तो उसके बाद। माँ जी वर्जिश? हाँ मैं वर्जिश कर रही थी ना, तो उसके बाद मुझे प्यास लगी तो फिर। अरे वर्जिश तो मैंने भी की थी यार। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि जूस पीने से तुम्हें सुकून मिला था? वैसा वैसा। यार नबील, वैसे प्यास तो मुझे भी लग रही है। खुदा का खौफ करे महमूद साहब, घर में पहले ही एक बंदा रोजा तोड़ के बैठा हुआ है। बंदा नहीं पुत्र, बंदा नहीं, बंदी। हाँ हाँ बंदी। वैसे अगर रोजा टूट जाए तो क्या होता है? गुनाह होता है महमूद साहब। कितना गुनाह होता है? बहुत गुनाह होता है। फिर भी कितना होता होगा? महमूद साहब यार बस कर दें यार, हमारी नीयत क्यों खराब कर रहे हैं यार। इनको दफा कर पुत्र, अब बता कि मैं क्या करूं। हाँ नबील, पता तो करो कि रोजा तोड़ने का कफारा है क्या। ठीक है जानू, मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब को क्यों फोन कर रहे हो यार, उसने रोजा तोड़ा है, कोई हाथ तो नहीं तोड़ा। महमूद साहब चुप करें यार। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं नबील बात कर रहा हूँ, बुलबुले वाला। डॉक्टर साहब, अब आप हमें कहाँ पहचानेंगे? अच्छा पहचान लिया डॉक्टर साहब, बहुत अनायत, शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक्चुअली माँ जी से ना भूले से रोजा टूट गया है। जी जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, कफारा जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुनासिब। अरे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप गाले तो नहीं देख रहे थे? ओके खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भूले से ही रोजा टूटा है ना, तो अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ओहो भाई, रोजा टूटने के मुतल्लिक क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि रोजा ही तोड़ा है ना, दिल तो नहीं तोड़ा ना किसी का। नबील तुमने किस डॉक्टर को फोन कर दिया था, कफारा का क्या बताया उन्होंने? वो कह रहे थे कि रोजा तोड़ने का कफारा जो है ना, वो तो ये है कि मस्कीनों और यतीमों को खाना खिलाया जाए, लेकिन अगर भूले से रोजा टूटा हो तो किसी एक यतीम मस्कीन की इफ्तारी करा दी जाए। अच्छा वशे। चले माँ जी, मेरे ख्याल में आप महमूद साहब की इफ्तारी करा दीजिए। मुझे असली यतीम और मस्कीन चाहिए। ओ माँ जी, महमूद साहब कौन सा नकली है? नहीं मैं नहीं जानती कुछ, मेरे लिए असली कफारे का बंदोबस्त करो ना। अब रोजे में ये भी करना पड़ेगा हमें। माँ जी अगर कफारा हो तो गुब्बारे ला दूं। हेलो जी, आपके घर में कोई यतीम मस्कीन है? नहीं, लेकिन हम ये कैसे यकीन कर लें कि आप यतीम और मस्कीन हैं? अरे नहीं भाई नहीं, ये सबूत काफी नहीं है। अपने माँ बाप का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर हम अफ्तारी करवाएंगे। हाँ
अरे गालियाँ क्यों दे रहा है भाई? शहर में कोई ऐसा यतीम मस्कीन नहीं है जिसके पास सर्टिफिकेट हो। पुत्र, हमने उसे इफ्तारी करानी है या पढ़ने के लिए बाहर भेजना है? और माँ जी देखभाल के इफ्तारी कराएंगे ना, कोई ऐसा यतीम मस्कीन मिलना चाहिए ना जिसके पास सर्टिफिकेट हो के वो यतीम और मस्कीन है। अम्मा थोड़ी मदद कर दो। किस काम में? अम्मा कुछ खाने को दे दो। बेशरम, तूने रोजा नहीं रखा है? वो हाँ रखा, रोजा तो रखा है। हाँ तो फिर खाने को क्यों मांग रहा है? वो अभी थोड़ी खाऊंगा, शाम को घर ले जाके खाऊंगा। जब तूने शाम को घर चले ही जाना है तो फिर घर जाके खा लेना, नाम से क्यों मांग रहा है तू? वो घर पे कुछ खाने को नहीं है ना अम्मा, इसीलिए। क्या? हाँ, मैं यतीम और मिस्कीन हूँ, थोड़ी मदद कर दो। यतीम और मस्कीन भी? हाँ। हुशवशे, चल फिर अंदर आ जा मेरे फरारे, मैं तुझे खुद अफ्तारी बना के खिलाऊंगी। अरे अफ्तारी में तो अभी बड़ा टाइम है। हाँ तो क्या हो गया, तूने कौन सा अफ्तार से पहले रोजा खोलना है? है? चल आ जा शाबाश। अम्मा आ जा, आ जा, आ जा। क्या हो गया मोमो? ये देखिए कौन है। ये कौन है? ये मेरा फवारा है। मेरा नाम काशी है, कोई फवारा या कफारा नहीं है। हाँ ये मेरा कफारा है। अरे मोमो, ये तुम किसे उठा कर ले आई हो? मैं उसे उठा कर नहीं लाई हूँ, ये खुद हमारे दरवाजे पर चल कर आया है। चल नकारे, तू यहाँ आराम कर, अभी इफ्तारी में बड़ा टाइम है। अरे यार तुम्हें इसे घर में लाने की क्या जरूरत थी, इफ्तारी के पैसे दे के किस्सा मुका देती बाहर से। हाँ मैं भी तो यही कह रहा था माँ जी से। चुपा, जब तक मैं तुझे इफ्तारी बनाकर नहीं खिलाऊंगी ना अपने हाथों से, मेरा दिल वो नहीं होगा मईन। मुतमईन? हाँ मेरा दिल मईन नहीं होगा, मुतमईन। महमूद साहब, माँ जी कहाँ हैं? कमरे में सो रही हैं। अपने कफारे को सुला रही हैं। सो जा मेरे मुन्ने लाज दुलारे, मेरे चुन्ने सो जा मेरे मुन्ने। माँ जी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं एसी का वॉल्यूम तेज कर दूँ पुत्र? नहीं नहीं, मुझे भूख लग रही है। नहीं पुत्र, ऐसी बातें नहीं करनी, तेरा रोजा है ना। अरे बच्चों का रोजा तो सिर्फ 2-3 घंटों का होता है। ना पुत्र, पूरा रोजा रखना पड़ेगा। है? सबर कर लेना, देख तारी में सिर्फ 6-7 घंटे रह गए। क्या? हाँ माँ जी, सोना इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या खिलाया आपने इसे? अरे कुछ खिलाया ही तो नहीं रही। चुपा, सो जा। ये सोना नहीं है समीना फातिमा, ये नकारा है, नकारा। कौन नकारा? वो जो मुझे रोजा तोड़ने के बदले देना था ना वो। माँ जी कुफारा। हाँ कुफारा है ये, कुफारा हमारे साथ इफ्तार करेगा ये। हाँ अरे बाजी, अम्मा को बोलो मुझे खाना मत दे, लेकिन घर तो जाने दे। नबील क्या हुआ जानू? ये माँ जी क्या कर रही है? अब क्या कर दिया माँ जी ने? वो किसी बच्चे को जबरदस्ती उठा कर ले आई है। क्या माँ जी ने बच्चा हुआ कर लिया? ओहो अगवा नहीं किया उन्होंने। फिर ओहो कोई बच्चा मांगने आया था दरवाजे पे, माँ जी ने उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठा लिया कि यतीम और मस्कीन है, मैं उसे इफ्तारी कराऊंगी। यार ये तो अच्छी बात है ना जानू। हाँ अच्छी बात है नबील, पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना। जानू कहीं वो बच्चा ये तो नहीं है? हाँ यही है। अबे रुक रुक रुक, क्या क्या चुरा के भाग रहा है? चुरा कर नहीं भाग रहा हूँ अंकल, जान चुरा के भाग रहा हूँ मैं। क्यों? यार अंकल मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ कुछ खाने को मांगने आया था, वो बुढ़िया तो मुझे भूखा मार ही देगी। ओए तमीज से बात करो। लेकिन मैंने आपसे बदतमीजी कब की? ओए माँ मेरी, इसीलिए तो बुढ़िया बोला है। बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इफ्तारी करके चले जाना। लेकिन मेरा तो रोजा ही नहीं है। क्या? हाँ तो तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? अरे मैंने समझा उनको मुझ पे रहम आ जाएगा और वो मुझे कुछ खाने के लिए दे देंगी, लेकिन मुझे क्या पता था वो मुझे जबरदस्ती पकड़ के अपने घर में ले आएंगी। रो मत जानू, तुम चुपचाप किचन में जाओ, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। हाँ जानू जल्दी आना। ओए जानू क्यों बोला? क्यों, इसका नाम जानू नहीं है क्या? जानू तुम अंदर जाओ, मैं जरा इसको समझाता हूँ, जाओ अंदर। बात सुन, मैं मेरी बीवी है, मैं जानू कह सकता हूँ उसको, समझा? खबरदार तुमने जानू बोला उसको दोबारा, चल। अच्छा माँ जी, ये तू क्या कर रही है? वो ना
मैं कबूतरों को खाना खिलाने के लिए लेके जा रही थी, सवाब मिलता है ना। और ये कौन से कबूतर हैं जो करेले की माँ खाते हैं, वो भी डबल रोटी के साथ। माँ जी दादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सुलेखा, तू वो तोड़ रही थी ना। वो क्या? वो जो खाने के लिए तोड़ना पड़ता है। निवाला? निवाला नहीं, गजाला वो। माँ जी मेरा रोजा है। हाँ रोजा, तू रोजा तोड़ रही थी ना। नहीं माँ जी, मैं तो ये खाना उस बेचारे बच्चे के लिए लेके जा रही थी जिसे आप जबरदस्ती घर में लेके आ गई हैं। तेरी ये वो कि तू मेरे अंगारे का रोजा तोड़वाए। उसका रोजा नहीं है माँ जी। चुप, मुझे सब पता है, तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं हथकारा दूं। कुफारा? हाँ कि मैं कुफारा दूं। और एक बात कान खोल के सुन ले रसिया, मैं अपने कुफारे का रोजा टूटने नहीं दूंगी। माँ जी मेरा रोजा खुलवाना है या मुझसे रोजा खुलवाना है? अम्मा मुझे टॉयलेट जाना है। अब तो इफ्तार के बाद ही जाना पार्टी करना बच्चू। और इफ्तारी में कितना टाइम है? सिर्फ 3 घंटे। क्या? अच्छा चल शाब टीवी देख। अम्मी चुप कर, तेरी माँ मर चुकी है, तू मस्कीन है। यार नबील तुम एक ही दफा अपनी माँ का लग के इलाज क्यों नहीं करवाते? क्यों करवाऊँ? आप चाहते हैं बुलबुले बंद हो जाए, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा महमूद साहब। चुप करो भाई, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। अरे बांध के उस बच्चे को अपने पास बिठाया हुआ। यार महमूद साहब मुझे तो लग रहा है माँ जी कफारे के चक्कर में ये बच्चा ना मार दे। यार तौबा करो नबील, कैसी फजूल बातें कर रहे हो। तो और क्या करूँ जानू? अरे उसे माँ जी की कैद से आजाद कराओ यार। जानू इसके अलावा कोई और काम बताओ। नबील उस बेचारे बच्चे का रोजा नहीं है यार, वो भूख और प्यास से मर जाएगा। यार मैं तो कहता हूँ हम तीनों मिलजुल कर ना उस बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ ये ठीक है। जानू 1.5 घंटा रह गया अफ्तारी में, उस बच्चे को बोलो सब्र कर ले, क्यों हमें कुहार करा रहा है। छोटा आप नबील। ओके जानू चलो फिर उठो। उड़ो उठो बाबा जी, उठो बाबा जी। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। मोमो ये मैं तुम्हारे लिए लाया था ताजा ताजा बना के। अफ्तारी में कितना टाइम है? अरे तुम छोड़ो, तुम्हारा कौन सा रोजा है? हाँ पर मैं अफ्तारी से पहले जूस नहीं पीऊंगी। अरे तब तक तो ये जूस खराब हो जाएगा मोमो, मैंने ताजा ताजा निकाला है। चलो इस बच्चे को पिला देता हूँ, कब से नियत लगा के बैठा है। चुप है, खबरदार जो मेरे कफारे का रोजा तोड़ाया हो। अगर इसका रोजा टूटा तो कफारा कौन देगा भाई? सब पकौड़े पहले नहीं देखे कभी, कुछ अजीब सा लग रहा है। नबील अब बुलाओ अपनी माँ जी को और उनसे कहो खुदा के वास्ते इफ्तारी में तो उस बच्चे को कुछ खिला दें। जानू वो दोनों सोए हुए हैं जानू, सायरन हो रहे तो मैं उठवा दूंगा। मेरा ख्याल है नबील बिल्कुल सही कह रहा है। अब तो जाओ नबील। जानू मैं तो पहले कर लू। नबील जा रहा हूँ, जा रहा हूँ जानू, जा रहा हूँ। आओ हम तो इफ्तारी करें ना। ओ माँ जी, माँ जी उठे, रोजे का टाइम हो गया है। अच्छा ओके। ओ माँ जी अपने कफारे को तो साथ ले ले। तू चुप कर, तू इसे साथ लेकर आ, मैंने रोजा टाइम पर खोलना है, हट। ओ माँ जी। ओ हेलो, चल बे उठ कफारे, अल्लाह ने तेरी सुन ली, अफ्तार का टाइम हो गया है। हेलो हेलो। ओ माँ जी, ओ आपने अपने कफारे के चक्कर में बच्चा मार दिया है। क्या उतर इसमें छोड़, तू तो आ रोजा खोल, पकौड़े बड़े खस्ता बने। ओ भाई ओ भाई मुझे कुछ खिला दो, मैंने तो रोजा भी नहीं रखा, वरना मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ खिला दो। होशे होशे
तूने रोजा नहीं रखा था? माँ जी वो कैसे रखता, बच्चा है बेचारा। चुप है, इसने मेरा कफारा खराब किया है। कल मैं इसे खुद ही रोजा रखवा के तो खुद ही इफ्तार करवाऊंगी। नहीं नहीं अम्मे। माँ जी सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।